तो वीवीए प्रोग्रामिंग की दूसरी चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कोड कंसेप्ट के बारे में। जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट जो हमारी टॉपिक थी उसमें हमने डिस्कस किया कि हम प्रोग्रामिंग का पहला वर्ड क्या करते हैं, एल्गोरिथम क्या है, कैसे एल्गोरिथम के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा कोड से हम अपना लाइन को स्टार्ट करें। फिलहाल हम बात करते, चलिए वन बाई वन ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन को हम पढ़ते रहेंगे, हम वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं। एक फाइल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा शुरुआत। जैसे एक फाइल को क्रिएट करना है तो आप लिख सकते हैं workbooks.add, एक नई फाइल क्रिएट होगी। उसी फाइल को सेव करना है तो आपको यहाँ पे बताया, ये 10 मिनट पहले बताया था कि हम active workbooks.save as और फिर अपना फाइल नेम देख सकते हैं इनोडा कोमा में पाथ के साथ। लेकिन मुझे पता है कि मुझे फलाना फाइल ही डिक्लेयर करना है, तो ये जो चीज़ करने क्रिएट करने के बाद फिर नीचे सेव करते हैं। हेलो जी सर, सर ये जो अभी हम सेव में कर रहे थे जो उसमें ये बिग ब्रैकेट्स में आ रहा है तो क्या हमें इनवर्टेड कॉमा में देना है क्या? मैं बताता हूँ, दो मिनट दीजिए। ठीक है, मैं बता रहा था आपको कि एक्सेल वर्कबुक डॉट ऐड हमने किया तो मुझे आपको पता है कि मुझे फाइल को ऐड करने के बाद सेव करना ही। एक होती है कि मुझे उसमें कुछ कुछ काम करके फिर सेव करना है, नहीं मुझे पहले ही सेव करना है, मुझे इस नाम का फाइल ही चाहिए। तो ऐड के बगल में आप यहाँ पर डायरेक्ट सेव एज लगा सकते हैं और इसके बाद यहाँ जो फाइल नेम है, फाइल फॉर्मेट, बाकी और चीज़ें भी देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें फाइल को क्रिएट करते समय क्या क्या चीज़ें, पासवर्ड लगाना चाहते हो, रीड ओनली पासवर्ड लगाना चाहते हो, रीड ओनली रिकमेंड करना चाहते हो, या फिर उसके अंदर और भी जो चीज़ें करना चाहते हो। लेकिन जनरली हम लोग फाइल नेम ही लेते हैं कि फाइल नेम 1 2 3 सॉरी। तो इन यहाँ पे फाइल का पाथ जो है इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। सर अगर अगर हेलो हाँ बोलिए, अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती हो तो क्या ये ओवरराइट कर देगा क्या उसको? नहीं, जब फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट करती हो तो आपसे फिर वो पूछेगा। अच्छा, अभी जो कोड हम चलाएंगे तो एरर आएगा। You want to replace this file name is already exist. You want to replace. अगर आपने replace पे क्लिक किया तो replace कर देगा। Cancel किए तो फिर आपको error show. ठीक 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 है। Okay ठीक। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्कबुक ऐड डॉट सेव एज डॉट नेम। अब किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव करने का तरीका तो मैंने बताया कि वर्क बुक्स, अगर फाइल का नेम पता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक एंड वर्कबुक्स का इस्तेमाल दोनों सेम है, बस सिचुएशन डिपेंड करती है। अगर आपको फाइल नेम पता है तो इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, फाइल नेम ना पता है लेकिन आपको इतना पता है कि जिस पे आप इवेंट करने वाले हो, जिस पे आप कोड अप्लाई करने वाले हो, वो फाइल आपका एक्टिवेट है। तो इसमें आप डॉट सेव एज करें, अपना डिटेल डालें या जस्ट सेव करें तो कंट्रोल एस वाला काम करेगा। कोई किसी फाइल को सेव है तो हम एक बार करते हैं ना सर, उसका नाम डिफाइन होने के बाद जब डेटा डालते हैं तो सेव ही करते हैं। लेकिन अगर कोई फाइल हमारा पहले से है उसको ओपन करना है हमें, तो उसके लिए यहाँ पे डालते हैं वर्क बुक्स डॉट ओपन और यहाँ पे अपना पाथ, जो पाथ आप डालते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस फाइल में पासवर्ड रखा हुआ है तो यहां आप कॉमा करेंगे, देखिए अपडेट लिंक रीड ओनली फॉर्मेट पासवर्ड, तो जो डालना है डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पे रीड ओनली ओपन करना है तो इसको ट्रू कर दीजिए, समझ गए, आपकी फाइल ओपन होगी बट रीड ओनली में, पासवर्ड आपकी डली हुई है तो पासवर्ड आपने डाल दिया। हमने नंबर डाला इसलिए डायरेक्ट डाल दिया, अगर आपके पास नंबर टेक्स्ट या टेक्स्ट नंबर या ओनली फॉर नंबर या ओनली फॉर टेक्स्ट हो तो इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करना होगा। तो किसी फाइल को हम ओपन इस तरह से करते हैं। हमने फाइल ओपन किया तो फाइल को क्लोज करना भी आना चाहिए, तो फाइल क्लोज करने के लिए होता है वर्क बुक्स डॉट बुक्स के बाद यहाँ पे फाइल का नेम।
अगर पता हो तो, ना पता हो अगर वो एक्टिव है देन एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। लेकिन जब भी क्लोज डालते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स डालना जरूरी है, हालांकि जरूरी मतलब कि आपको नहीं डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्यों ऐसा किया जाता है, जैसे हम कोई फाइल को जब क्लोज करते हैं फाइल पहले सेव नहीं होती है तो पूछता है डू वांट टू सेव, तो इसी तरह से आप क्लोज करते हैं तो आपसे पूछेगा अगर आपने सेव नहीं किया गलती से, अगर आपने ट्रू पे क्लिक किया तो सेव पे क्लिक कर देगा, ट्रू पे आपने दिया कोड तो सेव पे क्लिक कर देगी, फॉल्स दिए तो अनसेव पे कर देगा। अगर आपको वर्कबुक का नाम पता नहीं है तो यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक लगेगा अगर वो फाइल एक्टिवेटेड है तो। तो हमने फाइल को ऐड करना सीख लिया, हमने फाइल को सेव और सेव एज करना सीख लिया, हमने फाइल को ओपन करना सीख लिया, हमने फाइल को क्लोज करना सीख लिया। अब बारी आती है एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना, जो आप जनरली अल टाइप करके जाते हैं ना, तो उसके कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होता है वर्क बुक्स यहाँ पे बुक टू डॉट एक्सएलएस डॉट एक्टिवेट, या फिर इसके अंदर नंबर भी दे सकते हैं वर्क टू यहां पे टू डॉट इंडेक्स नंबर डॉट एक्टिवेट। बट बहुत सारे फाइलें खुला है तो सीरियल नंबर पे मुश्किल होता है, जैसे दो फाइलें खुला हो तो इसका यूज कर सकते हैं। कभी कभी कोड वर्क नहीं करता है, एरर देता है, तो उस केस में आप यहां दीजिएगा विंडोज और यहाँ पे बुक इन्वर्टर कॉमा में, माफ कीजिएगा, कोई भी नेम टेक्स्ट इन्वर्टर कॉमा में डलेगा, इसमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, ये आपका जो व्यू मेनू बार के अंदर जो स्विच विंडो होता है ना, इसको ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिया, तो फाइल को हम एक्टिवेट कर देते। अब बात आते हैं फाइल के अंदर पासवर्ड डालने का। तो जैसे एक्टिव वर्कबुक, अब यहाँ पे समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि वर्कबुक कब लेना है, एक्टिव वर्कबुक कब लेना है। जी सर, ठीक सर। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में हमने पासवर्ड डाला। ये प्रोटेक्ट कौन सा है, व्यू के अंदर जो आप प्रोटेक्ट जो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है, आपकी ओपनिंग पासवर्ड नहीं, आपका जो स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है। ये इसमें तो सर ये जो इसमें स्ट्रक्चर होता था ना, ये स्ट्रक्चर रखता पहले भी था, स्ट्रक्चर क्यों डिसेबल होता है इसमें, क्या बोल रहे हैं दोबारा बोलेंगे सर, मैं सुन नहीं पा रहा इसे। मैं कह रहा हूँ सर जो इसमें ये प्रोडक्ट में नहीं, विंडोज तो दिखाता है लेकिन ये स्ट्रक्चर अनहाइड क्यों होता है इसमें। नहीं विंडोज नहीं, स्ट्रक्चर हाइड होता है, विंडोज अनहाइड होता है। क्या था कि पुराने विंडोज जो था 2003 में क्या होता था कि एप्लीकेशन खोलते थे और एप्लीकेशन में हमारा एक्सेल फाइल खुलता था, मतलब हम सारे मिनिमाइज कर देते थे और हमारा एप्लीकेशन फाइल मिनिमाइज कर देते। अच्छा, तो उस समय हम लोग विंडोज पे क्लिक करते थे तो क्या होता था कि फाइल को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नहीं की जा सकती, एप्लीकेशन मैक्सिमाइज मिनिमाइज। बट नाउ जो न्यू आया है उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, आपका मिनिमाइज पूरा एप्लीकेशन नहीं होगा, तो एक फाइल को मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। आप देखेंगे 2007 या 2003 में दोनों यहाँ पे बार होता था, एक ये भी होता था एक यहाँ। ओके, तो इस केस को अनहाइड का हटाई क्यों नहीं किया उन्होंने, या रखा डिसेबल क्यों कर दिया होगा? डिसेबल कर दिया, नहीं हटाया होगा। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि मुझे फाइल के अंदर ये देना है पासवर्ड देना है, ओपनिंग पासवर्ड देना है फाइल में, हमें ओपनिंग पासवर्ड देना है। तो यहाँ लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट माफ कीजिएगा एक्टिव वर्क देना पड़ेगा, एक्टिव वर्क बुक्स डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। अब यहाँ पे ध्यान रखिए,
हमने इससे पहले जितने भी लाइन यूज किए हैं, कोड ऑफ लाइन यूज किया है, उस पर हमने कहीं भी इक्वल का यूज नहीं किया है। बट इसमें इक्वल क्यों यूज हुआ? बेसिकली जब हम ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट का जब हम मेंबर अप्लाई करते हैं ना, तो मेंबर दो तरह का होता है। जैसे कि प्रोटेक्ट आपने किया, तो जो प्रोटेक्ट में ग्रीन कलर का बॉक्सेस बना है, ये मेथड है, इसको मेथड कहते हैं। तो मेथड जब भी होता यूज होता है उसमें पासवर्ड, सॉरी पासवर्ड नहीं, माफ कीजिए, उसमें स्पेस डलता है उसके मेंबर डिटेल में। लेकिन जिसमें इस तरह का हैंड का निशान है उसको प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी में हमेशा इक्वल। और प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशन लेते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि यहां एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड इंफॉर्मेशन ले रहा है, मुझे इस फाइल का नाम चाहिए, तो यहां पे हम f इक्वल टू एक्टिव फाइल, एक्टिव फाइल एक्टिव वर्कबुक होता है, माफ कीजिएगा, डॉट नेम, फाइल का नेम दे देगा, किसको देगा, f को देगा। तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, पाथ पाथ दे देगा। ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करना होगा, f as string और f as integer। देखिए VBA में क्या होता है कि इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसको वेरिएंट लेता है। अच्छा अच्छा। लेकिन सारे एप्लीकेशन में नहीं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है, मतलब कुछ ऐसे वर्जन है एक्सेल के आपके जिसमें एरर देगा, तो डिफाइन करना पड़ेगा। ओके ठीक है। तो ये एफ है क्या? अब जो लोग इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, या इसको टेम्परेरी सेविंग लोकेशन कह सकते हैं। मुझे वर्कबुक का फाइल चाहिए, फाइल नेम चाहिए, तो ये कोड मुझे फाइल नेम दे रहा है, तो इस फाइल नेम को आपको स्टोर कहाँ करना है, कहाँ पे इसको स्टोर करें। जैसे आप कुछ टाइप करते हो तो उसके लिए आप A1, B1, C1 पे जाके क्लिक करते हो ना, बिना क्लिक किए हुए टाइप तो नहीं करेंगे। टाइप करने के लिए एक एड्रेस तो चाहिए, सेम उसी तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को VBA में होल्ड करने के लिए आपको एक लोकेशन चाहिए। तो आप रेंज A1, B1, C1 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, एक F ले लिए। सेम उसी तरह है जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग XYZ ABCD लेते हैं। जैसे आपने लिखा है कि आपने क्या किया, X=100, और जहां जहां 100 का यूज करना वहां आपने X यूज कर लिया। तो सेम थिंग यहां भी होता है। तो मेथड और प्रॉपर्टी समझ में आ गया आप लोगों को, क्या होता है मेथड, क्या होता है प्रॉपर्टी। और हम फाइल पे जो जनरली ही काम करते हैं ना सर, हम फाइल ऐड करते हैं, फाइल करते हैं, सेव एज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ऐड करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, जनरली यही करते हैं। इसके करते नहीं सर फाइल में, बाकी चीज सीट पे होती है, सीट इंसर्ट करना, ऐड करना, सीट का पार्ट है। कोई डेटा डालते हैं, पिवट फिल्टर लगाते हैं, वो चीजें तो आपकी रेंज की है। तो फाइल में इफेक्ट होने वाली चीजें इतना ही है ना सर, लगभग। अब बात करते हैं शीट्स की, शीट्स पे इफेक्ट होने वाले चीज क्या है। देखिए सबसे पहले शीट को कॉल कैसे करें, हमें शीट वन में जाना है तो कैसे जाएंगे। तो शीट को कॉलिंग मेथड को समझिए, कि शीट का कॉलिंग मेथड क्या है, कि शीट शीट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे शीट का नेम। एक तरीका तो ये है कि शीट वन डॉट सेलेक्ट, दूसरा तरीका है कि शीट्स, और शीट्स में हम शीट्स यहाँ पे कर दिया वन डॉट सेलेक्ट, और तीसरा तरीका है शीट वन डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट लिख सकते हैं। अब देखिए सीट वन हो गया, ये होते हैं कैप्शन नेम, जब बाहर जो नाम लिखा हुआ है ना सर उसके अकॉर्डिंग चलता है। अगर मैं शीट का नाम यहाँ जैन कर दूं, तो मुझे यहाँ पे शीट्स को हटा के जैन करना पड़ेगा, क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग चल रहा है।
दूसरा आता है सिक्वेंस, सीट हमारा जनवरी हमारा पहले पोजीशन पे, तो जैन पे जाए। अगर मान लीजिए जैन तीसरे पोजीशन पे हो गया, अब मैं इस कोड को इस सॉरी इस वाले कोड को कोड को रन करूंगा तो क्या होगा, ये सीट टू को एक्टिवेट करेगा। मतलब इसको कोई मतलब नहीं कि सीट का नाम क्या है, पोजीशन चलेगा कि भाई स्टार्टिंग माने कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे है, कौन सा तीसरे नंबर पे, वो नंबरिंग सिस्टम में चलता है। तीसरा आता है सीट वन, इसका प्रॉपर्टी नेम, यहाँ ये जो साइड में जो नेम सीट वन टू थ्री है ये आपका प्रॉपर्टी नेम है, जो ब्रैकेट में दिख रहे हैं उसको हम लोग कैप्शन नेम कहते हैं, जो यहाँ दिखता है। तो कैप्शन नेम को यूजर चेंज कर सकता है, प्रॉपर्टी नेम को यूजर चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोग्रामर ही चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, उसने क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि तीनों में से कौन सा लेना है क्या, तो एक और आपका है यहाँ पे एक्टिव सीट। तो सीट को चार तरह से कॉल करते हैं, अब इसी के आगे जो कोड लगना है, ये जो जब डॉट सिलेक्ट के जगह पे डॉट कॉपी डॉट पेस्ट मूव हाइड इन हाइड जो लगना है इसी के आगे लगना है, राइट सर। तो पहला है कि आपका नेम फिक्स है जैसे कि समरी रिपोर्ट, बट सीट चेंज होते रहता है। जैसे आपने क्या किया, पुराने रिपोर्ट को डिलीट कर दिया, नई सीट ऐड की और उसमें आपने एक नया डेटा वगैरह डाल के एक रिपोर्ट तैयार कर दिया, लेकिन सीट का नाम आपने समरी ही रखा। तो हमारा इस कोड को फॉलो करना कि जैसे सीट डिलीट होगा उसकी प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी नेम को यूज नहीं कर सकते, और ना ही हमारा सिक्वेंस नंबर, क्योंकि वो यूजर हो सकता है कि दूसरे नंबर पर रख दे या तीसरे नंबर पर रख दे, तो इसका भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके पास एक फोल्डर में 10 फाइलें हैं, 10 फाइलों के अंदर का जो डेटा है, सारे सीट का जो डेटा है वो उठाना है। अब आपको ये पता नहीं कि उसके अंदर जो शीट्स है वो शीट्स का नाम क्या है, कैप्शन नेम क्या है, प्रॉपर्टी नेम क्या है, नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, शीट का काउंट निकालेंगे कि 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे करके आप 5 शीट का डेटा उठा। तो इस पोजीशन नंबर हम उस वहां पे चलते हैं जहां पे हमें आइडिया ना हो कि सीट का नाम क्या हुआ, बस सीट का हमें काउंट पता हो, ये काउंट हम निकाल सकते हैं। अब यहां आता है कि सीट आपका बार बार रिनेम होता है, बार बार रिनेम हो रहा है। जैसे मान लीजिए जनवरी महीने में जनवरी का था, फरवरी में क्या हुआ, वही सीट डिलीट नहीं होगी, नई सीट इंसर्ट नहीं होगी, उसी सीट को आपने चेंज कर दिया फाइव मंथ नाम से, तो हम वहां पे अपना कैप्शन नेम या भी प्रॉपर्टी नेम लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी नेम फिक्स होता है जब तक सीट डिलीट ना हो तब तक। तो कौन सा कोड सीट को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ गया आपको, ठीक है सर। हाँ, जब जो सिचुएशन उसके हिसाब से। अब चलिए होने वाले काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सीट पे एड करना। तो यहां लिखेंगे सीट डॉट एड, एक नई सीट एड हो जाएगी, लेकिन सीट एड कहाँ होगी, जो एक्टिव सीट होगा उससे पहले, मुझे सीट 4 के बाद में एड करनी है। यहाँ देखिए बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर पे डाला, बिफोर पे डालिए, बट अदरवाइज कॉमा दे के बिफोर को स्किप कर दीजिए, आफ्टर पे डाल दीजिए कि मुझे सीट, अब यहाँ ऐसा नहीं कि सीट 4 ऐसे लिख दें, नहीं, सीट सीट की कॉलिंग मेथड जो आपको ऊपर बताया ना सर, इसके अकॉर्डिंग चलना है कि सीट या इन्वर्टर कौन देना पड़ेगा, सीट 4, तो सीट 4 के बाद करेगा, लेकिन मुझे सबसे लास्ट में ऐड करना है। तो हमें 4 सीट्स है, तो मैं यहां जरूरी थोड़ी कि लास्ट में ही सीट 4 हो, सीट 4 पहले भी हो सकता है, तो मैंने यहां पे 4 कर दिया। अब सीट आप कोई भी सीट कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, जो सबसे लास्ट वाली सीट 4 नंबर सीट है उसके बाद ऐड होगा, पर यहां भी कॉज है कि सीट सबसे लास्ट में अगर आपको ऐड करनी है तो सीट 4 ही हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो यहां पे हम लगा देंगे फॉर्मूला सीट्स डॉट काउंट का।
अब क्या होगा, एक कोड जब भी रन करेगा सबसे लास्ट में ही आपको सीड को ऐड करेगा। सबसे लास्ट में ही ऐड करेगा। ओके सर। ओके जी जी जी। अब सीट ऐड हो गई है तो उसको नाम देना है। एक बार ये यहाँ एक चीज और भी है, सीट आपने ऐड किया, मुझे पांच सीटें ऐड करनी है तो काउंट फाइव दे दीजिए, एक साथ पांच सीट ऐड हो गई। अब मान लीजिए मैंने शीट्स ऐड की है, शीट्स अब मुझे इसको नाम करना है, अगर सीट का नाम पता है तो ये आपका ये दे, पोजिशन पता हो तो ये पता कर लीजिए, प्रॉपर्टी नेम पता हो तो इसको यूज कर लीजिए, लेकिन मुझे पता है कि सीट जस्ट ऐड हुई है और ऐड ऐड सीट ही एक्टिवेट होती है, हमें पता है, जैसे मैं कोई सीट ऐड कर वही एक्टिवेट होगा। डॉट ये डॉट ऐड हमने कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं, सीट को ऐड करना सीख लिया आपने, सीट को रिनेम करना सीख लिया, सीट को कॉल करना भी सीख लिया आपने। अब बात करती मूव, मान लीजिए किसी सीट को मुझे एक मूव करना है या कॉपी करना है, अपने यहाँ पे सीट वन डॉट अगर मैंने मूव कर दिया तो ये क्या होगा, एक नई फाइल में मूव हो जाएगी, एक नई फाइल इंस्टॉल करेगा उसमें मूव कर देगा। मैंने सीट वन डॉट कॉपी कर दिया। अब देखिए देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सीट वन लगा रहा हूँ इसके जगह पे इन चारों में से कोई एक लगेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिखूं कि मुझे इस सीट के बुक वोर से पहले आफ्टर में करना है तो वो उसके पहले आफ्टर में होगा, जैसे कि लेकिन मुझे नई फाइल में नहीं करना है मूव कॉपी और पुरानी फाइल में नहीं करना, मुझे इसी एक फाइल में ओपन है बुक टू उसमें करना है, तो बुक टू में इसके आगे आप बुक टू का रेफरेंस है वर्क बुक बुक टू और यहां भी सेम करेंगे। देखिए बुक टू आपका ओपन होना चाहिए, अगर बुक टू ओपन नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। सीट को मूव एंड कॉपी कर सकते हो, सीट को हाइड करना हो सीट वन डॉट मैं यहाँ पे विजुअलिटी देता हूँ विजुअल और यहाँ इक्वल टू, अगर मैंने हिडन कर दिया तो नॉर्मल हाइट जो हम यहाँ करते हैं ना वो हाइड है, कोई भी इसको अनहाइड कर सकता है, लेकिन इसी में एक होता है वेरी हिडन, एक होता है वेरी हिडन, वेरी हिडन हाइड करेगा तो उसके लिए कोड के जरिए ही आप अनहाइड कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी में सेलेक्ट करके यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल यहाँ उससे बाहर कोई हाइड नहीं कर सकता, जो हाइड करेगा उसके लिए अनहाइड अनहाइड करेगा उसको वीवी का एक्सेस होना चाहिए, और हाइड है तो विजुअल करने के लिए सीट विजुअल कर दीजिए आपका विजुअल हो जाएगा। अब बात होती है सीट में पासवर्ड डालना है, सीट वन डॉट प्रोटेक्ट और यहाँ पे पासवर्ड, इसके अलावा और भी चीजें हैं यहाँ पे दे सकते, जैसे मैं चाहता हूँ कि शॉर्टिंग अलाउ करना है कि कोई भी शॉर्ट कर सकता है या फिर मान लीजिए फिल्टर कर सकता है, तो कॉमा कॉमा करके आइए और यहाँ पे ट्रू कर दीजिए, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। सीट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, द सीट वन डॉट टैब डॉट कलर इक्वल टू वी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजंटा कर सकते हैं।
तो हम सीट को ऐड करते हैं, सीट को सिलेक्ट करते हैं, सीट पे हम रिनेम करते हैं, सीट को मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, सीट को हाइड अनहाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देना है सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट और अपना पासवर्ड। सीट को अनप्रोटेक्ट करते हैं और सीट पे हम यहाँ पे कलर देते हैं, इसकी बैकग्राउंड जो कलर होती है टाइप कलर वो करते हैं। सीट पे इतना ही करते हैं ना सर जनरली? हमारी आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज की, रेंज सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा काम इसी पे तो होता है। हमें बनाना है, पिवट लगाना है, रिपोर्ट बनानी है, कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला लगाना है, एवरीथिंग रेंज, क्योंकि हमारा डेटा स्टोर तो रेंज पे होता है। सबसे पहले रेंज, जैसे मुझे ए वन पे क्लिक करना है तो कैसे करूं? दो तरीके हैं, रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, दूसरा सेल्स 1, R1C1 इसको बोलते हैं डॉट सिलेक्ट। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया रेंज A1 डॉट सिलेक्ट तो क्या होगा? ये आपकी जो एक्टिव फाइल की एक्टिव सीट के A1 पे जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीट 4 के A1 पे जाए। इससे पहले आपको सीट्स यहाँ पे सीट 4 सीट की कॉलिंग मेथड है उस पे लेना पड़ेगा डॉट सेलेक्ट। देखिए मुझे अभी एक्टिव फाइल के सीट 4 पे आएगा, मुझे यहाँ पे करना है हमारा जो बुक 2 है बुक 2 के सीट 4 के A1 पे जाए। तो यहां आपको लिखना होगा रेंज बुक टू डॉट एक्टिवेट, सिलेक्ट यहां सिलेक्ट नहीं होता एक्टिवेट होता। तो बुक टू के सीट ए पे जाएगा, लेकिन बुक टू ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं है तो फिर आपको यहां ओपन करने का कोड डालना होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे रेंज नहीं वर्कबुक सॉरी गलती कर दी मैंने। ओके तो रेंज वो इस तरह से रेंज, उसके बाद रेंज का एक और आता है एक्टिव सेल भी होता है। उसके बाद होता है सिलेक्शन, चार जो होते हैं रेंज के होते हैं। तो आपको एड्रेस पता हो तो इसको यूज करिए, अगर आपको एड्रेस ना पता रोल नंबर कॉल नंबर पता हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको इन्हें पता हो बट मुझे पता है कर्सर वहीं पे है C20 तो हम एक्टिव सेल का इस्तेमाल करते हैं। हमें नहीं पता है, पता है कि एरिया सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड एरिया में वर्क करना है तो हम सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुधीर जी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार पहले वर्कबुक को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, उसके बाद रेंज को पढ़ेंगे। रेंज बहुत बड़ी चीज है, इसको तसल्ली से पढ़ना होता है। तो आप यहीं पर क्लास को खत्म कर